प्रदेश सरकार की ओर से अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण हालात इसके एकदम उलट नजर आ रहे हैं। कोरिया जिले के जिला अस्पताल में फीमेल वार्ड में महिलाओं को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है और जिला अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। साफ सफाई से लेकर पीने के पानी की कमी के कारण जिला अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आपको बता दें कि 100 बिस्तरीय जिला अस्पताल में वार्ड समेत गैलरी को मिलाकर करीब 150 बेड लगे हैं, लेकिन तापमान बढ़ने से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिससे बेड कम पड़ गए हैं। ऐसे में मरीजों को गैलरी में ही फर्श पर लिटा दिया गया है। वहीं जिला अस्पताल SC डॉक्टर राजेंद्र बासरिया का कहना है कि अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या अधिक बढ़ गई है। 150 बिस्तर का अस्पताल है और 250 मरीज एडमिट हैं, इसलिए नीचे लिटाकर इलाज करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 दिन में स्थिति में सुधार हो जाएगा। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। क्या है कि अभी गर्मी के मौसम में अचानक से पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं। 150 बिस्तर का अस्पताल है, 250 के पर मरीज हमारे यहाँ भर्ती हैं और अधिकतर 100 से ज़्यादा पेशेंट को नीचे लेटाया गया है, क्योंकि जगह है नहीं और इसके कारण सारी समस्या आ रही है। कूलर वार्डों के लिए तो है, लेकिन बरामदा के लिए कम पड़ रहे हैं और उसके लिए हम चाह रहे हैं कि लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इसकी कमी गर्मी के कारण सारा अस्त व्यस्त हो गया है अभी व्यवस्था, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिन सवेरे से शाम तक हम लोग लगे हैं उसमें व्यवस्था के लिए, लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन में और पूरी व्यवस्था और सुधर जाएगी इसमें। आपको बता दें कि लगातार भीषण गर्मी के बीच मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अगर कोरिया के जिला अस्पताल की बात करें तो वहां की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरीजों को जमीन पर लिटाकर उनका इलाज कराया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि वहां डॉक्टरों की ओर से आश्वासन दिया गया है कि लगातार इस जिला चिकित्सालय में करीब 150 बेड की सुविधा है। वहीं 250 मरीज होने की वजह से अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही हो और इसी के मद्देनजर अब मरीजों को जमीन पर लिटाकर उनका इलाज करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि करीब 2 दिन के अंदर इन सुविधाओं में सुधार भी किया जाएगा। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब कई मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में भी ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से मरीजों का इलाज चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं वो चरमराती हुई नजर आ रही हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ कोरिया से संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, लगातार प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे ठोकती है, लेकिन वहीं अगर जिला अस्पताल की बात करें तो जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है वो पूरी तरीके से जो सुविधा है स्वास्थ्य की वो चरमराती हुई नजर आ रही है। अभी की स्थिति की अगर बात करें तो वहाँ किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कोरिया जिले में जल्द के हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल की का मामला है पूरा, जहाँ पे मरीजों को पीने का शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज, गर्मी बहुत ज्यादा है, कूलर की भी सही व्यवस्था वहाँ पे नहीं है जी। और तीसरा, वहाँ जो स्थिति सबसे भयानक देखने को मिली है कि 100 बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ 150 से 200 मरीज अभी हाल फिलहाल भर्ती है, जिनको नीचे लटा के इलाज किया जा रहा है। कुल मिला के स्थिति बहुत बद से बदतर होती नजर आ रही है जिला हॉस्पिटल की। और सबसे दुखद बात यह है कि इस जिले के उस जो स्वास्थ्य मंत्री है, पूर्व भी स्वास्थ्य मंत्री थे, इसी संभाग से थे और वर्तमान में भी इसी संभाग से स्वास्थ्य मंत्री है, छत्तीसगढ़ की है, फिर भी स्थिति पहले जैसी थी उसी आज ही बनी हुई है। वहीं विशाल, अगर बात करें तो सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े वादे करती है और जब इस तरीके की स्थिति सामने आती है तो कहीं ना कहीं लोगों में भी रोष देखने को मिलता है। अगर बात करें मरीजों की तो किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? मरीज बेबस हैं, मरीज कई बार अपनी आवाज उठा चुके हैं इन सब स्थितियों को देखते हुए। फिर भी जो स्थिति पहले थी आज भी वही स्थिति बनी हुई है। अभी 2 दिन ही पहले बेड से कॉकरोच वाली बात निकल के आई थी कि मरीजों के बिस्तरों से कॉकरोच निकल रहे हैं, जिसपे CMHO का बयान एक आया था कि आचार संहिता के होने के कारण हम यहाँ दवा का स्प्रे नहीं करा पा रहे। अब इस तरह का इसको देखते हुए और भी ज्यादा स्थिति दयनीय नजर आने लगती है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा इस तरह का बयान आता है।
वहीं विशाल अगर बात करें तो डॉक्टर्स की ओर से किस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि बेड की जो संख्या है वो कम है और लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो कब तक स्थिति में सुधार हो सकता है? हमने एससी डॉक्टर भंसरिया जी से बात किया, उन्होंने कहा कि जहाँ हम सफाई के मामले में जो मामला था उस पे हम सफाई कर्मी की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जल आपूर्ति के लिए उन्होंने कहा कि दो या तीन दिन से तीन दिन में स्थिति सुधर जाएगी। और जहाँ तक बेड का सवाल है तो उन्होंने गर्मी का हवाला दिया, गर्मी में मरीज बढ़ जाते हैं और हमारे पास 100 बेड का ही हॉस्पिटल है लेकिन हम 250 मरीजों का इलाज यहाँ पे करा रहे हैं, जिसके कारण हमको ये सब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है विशाल सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से विशाल सिंह ने हमें बताया कि लगातार भीषण गर्मी के बीच मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इस वजह से जो जिला चिकित्सालय की जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जिला अस्पताल का हाल बेहाल नजर आ रहा है और लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां मरीजों का इलाज जमीन पर लिटाकर किया जा रहा है।